दोस्तों आज हम आए हैं रेलवे स्टेशन के पास में सिटी मॉल, और सिटी मॉल के सामने पुलिया चालू होते ही देखते हैं कौन सा शॉप है। उन्होंने बताया हमको कोबरा है। सिचुएशन देखने दो, कोबरा है इधर 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 इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कौन था भाई? इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा भारतीय नाम कोबरा भारतीय है। मारने नहीं देंगे यार, वेरी नाइस। पुष्कर सर पुष्कर नहीं दे रहा है, वंश वंश को लड़ा पर चला लड़ा वैसे चला लाओ चला, वेरी नाइस वेरी नाइस नागराज वंश चला लाना फटाफट। तो दोस्तों हमने सिटी मॉल रेलवे स्टेशन सिटी मॉल के यहाँ से इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा हम रेस्क्यू कर रहे हैं। सचिन भैया ने मेरे को टेलीफोन किया और मैं अपने सवाई विलास होटल में रेस्क्यू कर रहा था, वो भी था इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, और यहाँ इन्होंने देखा है और ये मिला है यहाँ पर, और हम इसको लेकर चलेंगे पुनर्वास गौतम कॉलोनी आकाशवाणी। इसको लेके चलते हैं और इसको जंगल में छोड़ देंगे, इससे आगे का जीवन जिएगा। और नागराज शांत रहो बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, जाइए ध्यान लगा। इसको खुशबू आ रही है वो दूसरे नाक की, अभी इसमें पकड़ के लाए थे इसमें छोड़ के आया, इससे पकड़ा था इससे डबल था वो। हाँ मुझे सवाई मिला था काला ये भाई क्या है उसकी खुशबू आ रही है।
फुली स्पेक्ट्रल कोबरा जिसे हम भारतीय नाग बोलते हैं। सिटी मॉल रेलवे स्टेशन के यहाँ से हमने जैन साहब की यहाँ गुटके बीड़ी सिगरेट की दुकान है, इनके सामने पट्टी के नीचे आ गया था और हमने इसको रेस्क्यू कर लिया बहुत अच्छी तरह। और पुनर्वास हेतु इसको रणथंभौर के जंगल में अभी हैंड टू हैंड रिलीज कर दिया जाएगा जिससे आगे का जीवन जी। तो मिलते हैं इसके रिलीज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और कब से बोलेंगे वंदे मातरम। चलो करते तो दोस्तों आज फिर हम आ गए हैं रणथंभौर अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और ये हमारा दूसरा रेस्क्यू है अभी अभी का। और एक सुबह रेस्क्यू था हमारा कछुए का जो हमने रिलीज करा और वो वीडियो हमने अभी डाला नहीं, अपलोड करेंगे। तो हमारा है तीसरा रेस्क्यू, नाग का दूसरा रेस्क्यू। अभी हमने कुछ देर पहले ही 9 बजे होटल सवाई ब्लास्ट से बड़ा नाग पकड़ा था और हम जा रहे थे तो हमें निखिल भैया का टेलीफोन आया और सिटी मॉल हमारे जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने हमको जैन साहब की दुकान के जो गुटका बीड़ी सिगरेट की दुकान लगाते हैं उनके दुकान के सामने पट्टी के नीचे बैठा हुआ था और बड़ा प्यारा नाग है। ये भी नाग है, इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा, भारतीय नाग। और अभी अभी थोड़ी देर पहले इसी जगह हम एक नाग छोड़ के गए हैं जो हमने उदय विलास से पकड़ा था, तो हम इसको छोड़ते हैं। आओ जाओ दोस्त, तुम भी जाओ और जी लो अपना जीवन, जाओ जाइए बजारो, जाओ दिखाओ इसको, दिखाओ जाते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये बहुत अच्छी जगह पे जा रहा है, बहुत ही सुंदर जा रहा है, बहुत ही वेरी वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। फिर भी उसी स्टाइल में जा रहा है जिस स्टाइल में वो गया था। जाओ दोस्त, जियो अपना जीवन और फिर मिलेंगे कभी जिंदा रहे तो। बहुत बढ़िया, तो हमने इसको छोड़ दिया है नाग को, ये गलत दिशा मेरी भी वीडियो लो, ये गलत दिशा में जा रहा है। छेड़ो मत इसको, छेड़ो मत, नहीं तो फिर ये आ जाएगा इधर। तो हम इसको छोड़ के चलते हैं दोस्तों, ये इसका जीवन यापन कर लेगा और हम तो एक ही बिना पे काम करते हैं। आ जाओ इधर, एक ही बिना पे काम करते हैं कि जियो और जीने दो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती दुनिया में। और दुनिया में शांति का पैगाम भी यही होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में मैंने यही कहा था। और हम तो वैसे काम ही इसी बिना पे करते हैं। तो दोस्तों आपको अगर हमारा ये काम अच्छा लगता है जीव जंतुओं को बचाने का तो चैनल को शेयर करें, अपने लोगों में लाइक ज़रूर करें और जो हमारे वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर किसी जीव की जान बचाते हुए, किसी नाग की, किसी रेप्टाइल की, किसी सांप की और उन परिवारों को भय दूर करते हुए जिनके बीच में भूले भटके आ जाते हैं। तो मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत और कब से बोलेंगे वंदे मातरम, जय श्री राम।